Welcome or welcome back to my channel. Hi girls, my new my name is Abhishek. I can call me Nisha. Today I'm back with Meesho top haul. इस haul में मैंने 10 tops add किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा है. मैं आज आप सबके साथ share करने वाली हूँ ये 10 tops जो मैंने Meesho से लिया है. And they are really really pretty. जितने भी tops हैं सब आपको मिल जाएंगे. 300 के अंदर ही सारे tops आपको मिलेंगे. And सारे tops जो है ना वो summer के लिए एकदम perfect होंगे. Yeah, let's start our video. But before that, अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, then do subscribe to my channel and also follow me on Instagram. मैं अपनी ID screen पे दे दूँगी. वहाँ पे मैं पहले post करती हूँ. So okay, let's start all. So I will start with न्यू फैंसी टॉप से स्टार्ट करती हूँ जिसका जिसको मैंने लिया है डेजी ब्रांड से. सो लेट मी शो यू द टॉप. इसका जो प्राइस है दैट इज़ 293. साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है. या सो दिस इज द टॉप. ये ऑफ शोल्डर टॉप है बट मैंने इसको ऑफ शोल्डर करके नहीं पहना है क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा फिट हो रहा था. तो ऐसे मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा फिट हो रहा था. एंड मैंने इसका जो साइज मंगाया है उस हिसाब से ये मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है. तो अगर आप स्मॉल साइज है ना देन आप एक साइज ऊपर का जा सकते हो या फिर आप अपने साइज के भी जा सकते हो बट ये कुछ ज़्यादा फिट होएगा आपको. फिर आप इसको ऐसे करके यू नो पहन सकते हो. दिस इज इसका कलर कम्बिनेशन आप देख सकते हो पिंक ब्लू वाइट ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप हुए हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो कलर कॉम्बिनेशन. यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है इसको. आप अगर आपके पास वाइट जीन्स है ना तो आप वाइट जीन्स के साथ इसको पेयर कर सकते हो. एंड इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ. ये वो स्ट्रिप वाली रिप वाली क्वालिटी है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है. इसकी जो फैब्रिक है ना वो पतली है बट क्वालिटी अच्छी है. सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है. एंड इसकी स्लीव जो है ना वो फुल लेंथ स्लीव है. ये तो पूरा फुल यू नो यहाँ रिस्ट तक आती है आराम से. मैं आपको ट्रायल में दिखा दूंगी. सो आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई. इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है बट आप इसको जीन्स के साथ या फिर वाइट जीन्स के साथ या फिर ब्लू जीन्स के साथ पहन करके ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है ना दैट इज फ्रॉम केमिटगे ऐसा कुछ ब्रांड नाम है इसका. एंड इसका नाम है अगाइल ट्रेंडी क्रॉप टॉप डिजिटल प्रिंट टॉप पी. एंड इसका जो प्राइस पड़ा ना दैट इज़ 270. साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है. ये जैसा उन्होंने दिखाया ना कैटलॉग में जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये वैसा नहीं है. मुझे नहीं लगता ये वैसा है. आई मीन जो स्क्रीन में दिख रहा है एंड जो ये है इसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया. सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट विल फिट क्योंकि कुछ मुझे ये कुछ हद से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के हिसाब से. सो ये तो ट्राई के बाद ही पता चलेगा कि कैसा फिट आ रहा है. बट मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो मैंने कैटलॉग में दिखा था. मैंने जो कैटलॉग में दिखा था ना उसमें ये लग रहा था कुछ रेयन सा फैब्रिक होगा बट ये जो फैब्रिक है ना ये कुछ अलग सा ही फैब्रिक है. मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ. ये कुछ ऐसा वाला फैब्रिक है. आई होप यू कैन सी द फैब्रिक. सो दिस इज बहुत मोटा वाला फैब्रिक. आई मीन यू कैन सी इसकी लेंथ. आप देख लो ये फ्रंट का पार्ट है. फ्रंट में उन्होंने कॉर्सेट डिज़ाइन किया हुआ है एंड पीछे आपको ऐसे दिखा पीछे स्ट्रेट स्ट्रेट कॉट है लेकिन फ्रंट में उन्होंने इसे भी या फिर यू शेप में किया है जो कॉर्सेट वाला डिज़ाइन होता है वैसे वाला. बट मुझे इतना पसंद नहीं आया. आई डोंट नो हाउ आई विल स्टाइल इट बट आई विल शो यू. जो नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है सेम ब्रांड से है. इसका नाम है सेम ट्रेंडी टॉप फ्लावर येलो. सो इसका जो प्राइस पड़ा दैट इज़ 193. साइज़ जो है इसका मैंने स्मॉल लिया है. सो मैं आपको टॉप दिखाती हूँ. ये बहुत ही प्यारा सा टॉप है. इसके आपको और कलर मिल जाएंगे मीशो पे. मैंने ये येलो कलर का लिया है बिकॉज ये थोड़ा सा स्प्रिंग वाला वाइब देता है. बट इसके अलावा इनके पास ब्लैक एंड मेरून कलर की टॉप है तो वो आप चेक कर सकते हो. हाँ अगर आप समर के लिए देखो ना तो इसकी जो फैब्रिक है ना वो उसमें वो लेंथ जो आ जाते हैं ना थोड़ी दिन यूज़ करने के बाद वैसा वाला फैब्रिक है तो ये थोड़ी सी मतलब चुभ सकता है जब आप इसको धूप में पहन के जाओगे. सो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी. जब यू नो हल्का सा जैसे फेब या मार्च के महीने में जो स्प्रिंग वाला टाइम होता है ना उस टाइम पे आप ये ट्राई कर सकते हो या फिर अक्टूबर या नवंबर में आप ट्राई कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही प्यारा सा यू नो पिंटरेस्टी वाला येलो कलर में उन्होंने ये सन बनाया है व्हाइट कलर में. यू कैन सी सन ने यहाँ पे सनग्लास पहना हुआ है. बहुत ही कूल लग रहा है. एंड इसको मैंने व्हाइट सॉरी ब्लू डेनिम स्कर्ट के साथ पहना था. आप इसको वैसे भी ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन पेयर इट विथ ए ब्लू जीन्स. अगर आपके पास ब्लू वाइड लेग जीन्स है या फिर स्ट्रेट फिट जीन्स है उन दोनों के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो. इट विल लुक फैंटास्टिक. या सो यू कैन ट्राई इफ यू लाइक दिस ब्यूटिफुल क्रॉप टॉप. नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है दैट इज़ फ्रॉम 1000 लुक्स ब्रांड से. एंड इसका नाम है डिज़ाइनर टॉप. ये मैंने ग्रीन कलर का लिया है बट जैसा उन्होंने कैटलॉग में दिखाया ना वो प्यारा सा हल्का सा ग्रीन है. बहुत ही पेस्टल सा ग्रीन है वो. बट जो मुझे रिसीव हुआ है वो कलर मैं आपको दिखाती हूँ. ये थोड़ा सा ना अभी कैमरा में ऐसा दिख रहा होगा बट इसका जो रियल कलर है ना डीप कलर डीप वाला ग्रीन है ये. जैसा पेस्टल ग्रीन वहाँ पर दिखाया था वैसा तो नहीं है बट दिस
ये जो इसका जो फिट आ रहा है ना मेरे पे, बाय गॉड इतना प्यारा फिट आ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ इसको। आप ये ब्लैक कलर का, मैं आपको टॉप दिखाती हूँ पहले। सो ये टॉप पे कुछ उन्होंने ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा है ब्लैक कलर का, एंड इन्होंने ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया है। इसका फेब्रिक आप देख लो एक बार, फेब्रिक ये रिप वाला फेब्रिक है, अच्छी क्वालिटी है, इतना खराब फेब्रिक नहीं है। बट हाँ, इसकी जो फेब्रिक है वो बहुत पतली है, बट गुड क्वालिटी, आई मीन यू कैन वेयर इट, एंड समर के लिए इट विल बी गुड चॉइस। सो इसकी लेंथ भी आप देख लो, लेंथ आपको इतना ही आएगा। इसको ना मैंने डेनिम स्कर्ट के साथ पहना है, बट आप इसको ब्लैक जीन्स के साथ पहन सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक उन्होंने यहाँ पे बॉर्डर दिया है, एंड ये थोड़ा डीप ग्रीन है, सो इट विल लुक गुड विथ ब्लैक जीन्स। और यू कैन वेयर विथ, जैसे मैंने पहना है स्कर्ट के साथ, वैसे भी ट्राई कर सकते हो। इसके आपको और तीन एक्स्ट्रा कलर मिलेंगे, ब्लैक में, ग्रे में एंड वाइट में। तो मैं तो, मुझे तो ये वाला बहुत सही लगा। इसका कलर थोड़ा सा हल्का और होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट या इट्स ओके, विल ट्राई। नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है, दैट इज फ्रॉम इनाया इंटरनेशनल ब्रांड से, एंड इसका नाम है वुमेन टॉप। सो फिलहाल ये टॉप आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। इतना मैं दिखाती हूँ आपको कैटलॉग में, आप देख सकते हो कैसा है, जैसा उन्होंने दिखाया वैसा उन्होंने है ये टॉप। बट ये ना मुझे हद से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसकी जो स्लीव्स है ना, कैटलॉग में जैसे दिखाया वैसा है, बट उसका लेंथ उन्होंने बहुत लंबा कर दिया है। ये कैटलॉग में जो दिखाया ना, उसमें वो एल्बो से ऊपर रह रहा है उसका स्लीव, बट यहाँ पे जो मुझे रिसीव हुआ है, दिस इज लाइक बिलो द एल्बो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने जब इसको ट्राई किया, तो मैंने इलास्टिक उन्होंने दिया था, तो मैंने उसे ऊपर खींच के वैसे एडजस्ट करके पहना हुआ है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड यहाँ पे ना बस्ट में उन्होंने ये पैड दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छा क्वालिटी का नहीं है। फ्रंट में ना उन्होंने इसे कॉर्सेट वाला बनाने की कोशिश की है, जो कि अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है, तो इतना पता नहीं चलता कि उन्होंने ऐसा कुछ पैड वगैरह दिया है, यू नो। अदरवाइज अगर कुछ व्हाइट एंड अदर टॉप्स होता जो हल्के रंग में होता, तो वो बहुत गंदा दिखता। बट या इफ यू आर स्मॉल साइज और मीडियम साइज, जो आप स्मॉल साइज से ऊपर से कोई भी साइज होना, देन आप एक छोटा साइज मंगा के इसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसका कौन सा साइज मंगाया था, मैंने इसका स्मॉल साइज मंगाया था, तो मुझे, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल था ही नहीं, तो मैंने स्मॉल मंगाया था, क्योंकि मुझे इसकी ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो डेजी वाला प्रिंट किया है ना पूरा ब्लैक में, बहुत ही सुंदर है रियल में। बट या मेरे साइज का नहीं है, तो आप एक छोटा साइज खरीदे तो आपको ये परफेक्टली फिट होगा, एंड यू कैन पेयर इट विथ ए ब्लू जींस। ब्लैक है तो ब्लू जींस के साथ बहुत सही लगेगा, और यू कैन पेयर इट विथ व्हाइट जींस। ओके, जो नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है, दैट इज फ्रॉम एमजेटी टेक्स ब्रांड से, एंड इसका नाम है ऑर्बानी वुमेन टॉप्स एंड हिल्स। इसका प्राइस मुझे पड़ा 227। साइज मैंने इसका स्मॉल लिया है, सो लेट मी शो यू द टॉप। इसका ना आपको पिंक कलर में मिल जाएगा, पेस्टल पिंक कलर में। ये मैंने ब्लैक एंड यू नो बीज कलर का लिया है, तो आपको बीज एंड पिंक में मिल जाएगा। बट ऑनेस्टली गाइज, अगर आपको लेना है तो आप ये वाला लो। ये वाला बहुत ही रेट्रो वाला टॉप है, जो कि आप किसी भी यू नो हर टाइम में ये वाला जो स्ट्रीट वाला ब्रिटो वाला स्टाइल देखूंगा ना, ये हर टाइम ट्रेंड में रहता है। एंड H&M जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं ना, वहाँ पे आपको ऐसे वाले डिज़ाइन के कपड़े मिलते ही हैं, चाहे वो स्लीवलेस हो या फिर हल्टर नेक वाले हो, बट मिलते ही मिलते हैं ये वाले टॉप। सो आप अगर सस्ते में कुछ ढूंढ रहे हो ना, देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड ये माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है, मैंने इसको ब्लू जींस के साथ पहना था, बहुत ही सुंदर लगता है। आई थिंक अगर आपको ये लेना है, ये इतना, इसका जो फैब्रिक है ना, वो बहुत ही हल्का सा फैब्रिक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फैब्रिक है, इसमें वो लिंट्स आ सकते हैं अगर आप यू नो बार बार यूज़ करोगे इसको, क्योंकि 227 में अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट दिस इज़ गुड, अगर आप ऐसे यू नो वंस इन अ व्हाइल यू कैन, यू वॉन्ट टू वेयर एंड यू वॉन्ट टू लुक क्लासी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टॉप। इसकी लेंथ मैं आपको दिखाती हूँ, लेंथ आपको इतनी लंबी मिल जाएगी। इसको मैंने ब्लू जींस के साथ पहना था, आप वैसे स्टाइल कर सकते हो, और यू कैन वेयर इट विथ ए ब्लैक जींस ऑल्सो, वो भी अच्छा लगेगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, या सो यू कैन ट्राई दिस टॉप। ये जो नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है ना, दैट इज फ्रॉम मोनल फैशन वेयर से। इसका नाम है क्लासिक डिजाइनर वुमेन टॉप्स एंड ट्यूनिक्स। सो ये मैं दिखाती हूँ, इसका जो प्राइस है ना, दैट इज 380 रुपीज, एंड साइज मैंने स्मॉल लिया है। सो लेट मी शो यू, ये वाला टॉप ना बहुत वायरल हुआ था इंस्टा पे, मैंने देखा था 2-4 क्रिएटर्स को इसको ट्राई करते हुए। सो मैंने ऐसे ही, मैं जब सर्च कर रही थी कुछ, तो मुझे मिल गया ये, बहुत ही हद से था बड़ा हो रहा है। मैंने इसका स्मॉल साइज मंगाया है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं था ऑब्वियसली, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज को, देन डोंट गो, डोंट बाय, बिकॉज ये ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये शोल्डर वाला जो पार्ट है, उन्होंने इलास्टिक किया है, फिर भी ये बार बार यू नो गिर रहा है, अच्छे से फिट नहीं आ रही है, जम नहीं रहा है। सो एक्स्ट्रा स्मॉल वालों के लिए आई विल से डोंट बाय दिस, बट अगर आप स्मॉल साइज से ऊपर के हो, तो आप जा सकते हो अपने साइज के हिसाब से, आपको सही में फिट, सही फिट आएगी। एंड ये वाला बस्ट का पार्ट आप देख लो, ये वाला डिटेलिंग उन्होंने किया है, ये वाला डिटेलिंग किया है, एंड पीछे उन्होंने इलास्टिक दिया हुआ है पूरा। अच्छा टॉप है, क्रॉप टॉप जैसा है, मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया बट मैंने शायद शूट नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया है। सो मैं देखती हूँ आप इसको कैसे स्टाइल कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे, मैंने सोचा था इसको ब्लू के साथ पहनूं, बट ये बहुत डीप वाला पिंक है, बहुत डीप पिंक है। सो ये मैंने देखा था ब्लैक के साथ, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
आई एम नॉट श्योर ये व्हाइट के साथ, मुझे लगता है ये बहुत सही लगेगा व्हाइट के साथ में, हो सकता है तो मैं ट्राई करके आपको ट्रायल में दिखाऊंगी। सो या यू कैन ट्राई दिस टॉप। तो नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है ना, दैट इज फ्रॉम क्लैरिटी सारीज ब्रांड से लिया है मैंने, एंड ये मेरा लाइक वन ऑफ माई फेवरेट इस हॉल से। सो ये मैंने पर्पल कलर का लिया है, डीप पर्पल कलर में, जो बैंगन का कलर आता है वो वाला कलर है। बट आपको इसका बहुत डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, लाइक पिंक, लैवेंडर, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, मेरून, पता नहीं कितने कलर अवेलेबल है। सो इसका जो प्राइस पड़ा दैट इज 273 रुपीज, एंड साइज मैंने इसका स्मॉल लिया है। सो लेट मी शो यू द टॉप। इन्होंने जैसा कैटलॉग में दिखाया ना, बिल्कुल रियलिटी में भी वैसा ही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे थोड़ा लगता है कि वेस्ट के एरिया में मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा है, बट यू कैन स्टाइल दिस टॉप विथ ए वाइट जीन्स और ब्लैक जीन्स, क्योंकि ये डीप है तो व्हाइट के साथ जाएगी, ब्लैक के साथ भी जाएगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका स्लीव ऐसा दिखता है, इन्होंने यहाँ पे सेम डिजाइन उन्होंने किया है, एंड फ्रंट में ये जो नेक ना, ये थोड़ा डीप नेक है, एंड क्रॉप टॉप है पूरा। सो यू कैन सी इन्होंने वो यहाँ पे स्टिचिंग डिटेलिंग कैसा किया हुआ है। ट्रायल में सब अच्छे से दिखाऊंगी, एंड इसकी फैब्रिक मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक कुछ ऐसा है। या आई थिंक यू कैन पेयर इट विथ व्हाइट जीन्स। सो या यू कैन ट्राई दिस टॉप। मैंने आपको सारे टॉप्स दिखा दिए जो मैंने 10 टॉप्स आज के लिए इस हॉल में ऐड किए थे। सो आई होप आपको मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर एनी ऐप। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट हॉल। टिल देन टेक केयर, बाय।